8 साल पहले इनको फ्रैक्चर हुआ था जिसमें स्क्रू डाला गया। दो बार सर्जरी हो चुकी है अब तक, लेकिन पैर छोटा भी है, कमज़ोर है, लिंप करके चल रहे हैं। ऐसे अगर चलना चाहो तो कितनी दूर चल लेते हो? ज़्यादा नहीं, एक आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर, फिर क्या होता है? दर्द चालू होता है। किस जगह? यहाँ पर और कमर में। कमर में भी होता है? कभी घुटने में तो नहीं होता? घुटने में ज़्यादा, उससे ज़्यादा चले तो घुटने में फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। आओ एक बार सीढ़ी चढ़ के देखते हैं। आओ, सीढ़ी चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं लग रही? आइए। संभाजी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे शॉर्टनिंग है लेफ्ट साइड में, और उसके साथ साथ मसल वेस्टिंग आप देख सकते हैं। पहले राइट साइड करते हैं जो नॉर्मल है, बहुत अच्छी मूवमेंट है जो कि यंग बच्चों में होती है। इसको मोड़िए, फ्लेक्शन अच्छा है, रोटेशंस लिमिटेड हैं और अबडक्शन भी लिमिटेड है। अगर इसकी अबडक्शन देखें हम तो अराउंड 45 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 डिग्री के बाद ही रिस्ट्रिक्शन है। पैर की उंगलियाँ चलाएं, ठीक है, बैठो। तो पहली बार प्रॉब्लम आई थी 8 साल पहले। क्या हुआ था? वो पैर से गिर गए थे। फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद 3 साल बाद वो स्क्रू निकाले, मतलब उस टाइम स्क्रू डाले थे। हाँ, स्क्रू डाले थे। हाँ। और बाद में निकाले, लेकिन दो निकल गए, एक रह गया था, तो एक निकल नहीं पाया। हाँ, निकल नहीं पाया। ओके, तो उसके बाद से धीरे धीरे तकलीफ बढ़ रही है। धीरे धीरे तकलीफ बढ़ रही है। ओके, तो हमारे पास संभाजी आए हैं, सांगली से आए हैं ना? हाँ, सांगली, सांगली महाराष्ट्र से आए हैं। और रही जे यंग बॉय, लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन एक फ्रैक्चर की वजह से, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आर्थराइटिस हुई है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इनका मन है करने का। तो हम MIS टेक्निक से इनका वो स्क्रू भी निकालेंगे, हिप रिप्लेस भी करेंगे, जिससे लेग लेंथ इक्वल हो जाएगी, जो लंगड़ा के चलते हैं वो ठीक हो जाएगा, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, और जो इसकी वजह से कमर में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, वो थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि सब अच्छा हो। तो आपका हम सिरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कल करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये एक्सरे देख रहे हैं संभाजी का बिफोर सर्जरी। इसमें आप देखेंगे एक स्क्रू अभी भी अंदर है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आर्थराइटिस है। ट्रोकेंटर सुपीरियरली माइग्रेटेड है, इसलिए पैर छोटा भी हो गया है। देखते हैं सर्जरी के बाद वाला। इसमें आप देखेंगे कि ये इनका पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट हमने यूज़ किया था, बोन वीक थी तो इसलिए स्क्रूज डालने पड़े, और ये वॉशर अभी भी इनका बचा हुआ है क्योंकि बोन में पूरा बन चुका है, अंदर पूरा डिप हो चुका है, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको निकालते तो हमें हड्डी तोड़ना पड़ता, तो इसलिए हमने यही छोड़ दिया है। बट ये इम्प्लांट इनका एक तरह से बहुत लंबे समय तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, सिरेमिक ऑन पॉली है। तो संभाजी हमारे पास सर्जरी के 4 महीने बाद आया। इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था, लेफ्ट साइड था। इनका 7-8 साल पहले फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था, जिसका फिक्सेशन हुआ, लेकिन उसमें एवियन की वजह से आर्थराइटिस हो गई थी। और अब 4 महीने बाद जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि लिम्ब लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले ये पैर छोटा था, लगभग 1.5 से 2 इंच, लेकिन अब बिल्कुल इक्वल है। और अब चलना फिरना शुरू किया तो मसल्स भी इक्वल हो गई हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है मूवमेंट्स,
अब देखेंगे 100 के आसपास इनका फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं और अबडक्शन भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, लेकिन अभी शुरुआत है और टाइम के साथ ही और भी इम्प्रूवमेंट होगी। दोनों घुटने मोड़ो, कमर उठाइए, वेरी गुड, छोड़ दीजिए और नीचे बैठ कर देखेंगे एक बार। और 3 महीने के बाद हम सब पेशेंट्स को अलाउ करते हैं जपना, यानी कि चौकड़ी लगाना और इधर इधर फेस करके। हाँ बैठिए, बहुत बढ़िया, एक बार खड़े हो जाइए, एक बार फिर। तो ऐसे कितनी देर बैठ पाते हो? 15-20 मिनट बैठते हैं, जैसे खाना वाना खाना तो आराम से खा सकते हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए और जैसे वैसे बैठते हैं आप, देखिए बिल्कुल फ्री होकर बैठ रहे हैं, खड़े हो जाइए इधर फेस करके। हाँ अब बैठिए, खड़े हो जाइए। तो ये चीज़ है जो MIS टेक्निक का फ़ायदा है इन पेशेंट्स को। कितनी उम्र है समझा जी आपकी? 24। हाँ तो इज़ ए यंग पेशेंट। अगर इनको हम कहें कि लाइफ लॉन्ग आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो पेशेंट बहुत हैंडीकैप्ड फील करते हैं, बहुत ऑड फील करते हैं। बहुत जगह हमारी ऐसी हैं, सांगली से आए हैं तो वहाँ पर आपके कुछ जैसे फंक्शन होते हैं, कई बार खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें नीचे बैठना पड़ता है, मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, कुछ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है और ये पॉसिबल है सिर्फ MIS टेक्निक से। इससे इम्प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पूछते हैं कि क्या इससे इम्प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है या उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर MIS टेक्निक से आपने एक वेल बैलेंस्ड हिप इम्प्लांट डाला है तो कभी भी इम्प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई सवाल आपका? कितना चल लेते हो? 3-4 किलोमीटर डेली। सीढ़ी चढ़ना है, बाइक चलाना है? बाइक चला रहे हो? बाइक नहीं अभी तक चला, लेकिन सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं और 3-4 किलोमीटर में कभी ऐसा तो नहीं होता कि दर्द हो गया है, बीच में रुकना पड़ता है और अब देखने से पता नहीं चल रहा वैसे कौन से पैर का किया है? तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ MIS टेक्निक कि कुछ महीने बाद हमें ही मुश्किल होता है बताना कि किस पैर का इनका ऑपरेशन हुआ है। ये एक तरह से अब एक नॉर्मल लाइफ संभाजी आगे लीड करेंगे। इनको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि 8 साल पहले इनका कोई फ्रैक्चर हुआ था, पैर छोटा था या कोई 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार चीज़ें जिस सर्जरी में आप करते हैं वैसी प्लान नहीं करते हैं, वैसी होती नहीं है, वैसा रिजल्ट नहीं आता है। हालांकि ऑपरेशन ठीक हुआ था लेकिन AVN इज़ ए कॉम्प्लिकेशन विच इज़ नोन आफ्टर फ्रैक्चर नेक फीमर। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक सर्जरी से अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो भी आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, हम सेकंड अटैम्प्ट में वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे इनकी पहली सर्जरी 8 साल पहले हुई, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट जब हमने किया अब इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो इज़ बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। कई बार पेशेंट डिस्करेज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यू ऑलवेज हैव ए सेकंड चांस। 24 साल उम्र है सिर्फ इनकी एंड ही हैज़ हिज होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम। और अब हमें उम्मीद है कि संभाजी कभी भी एज पेशेंट हमारे पास नहीं आएंगे। वैसे आप हमसे मिलने आ सकते हैं, दिल्ली कभी आएँ तो हमसे मिलते रहिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।